प्रदेश में दालों को लेकर गहराए संकट के बाद भाजपा नेताओं ने एक पहल शुरू की थी। इसके बाद दाल उद्योग संघ ने आगे आते हुए सस्ती दुकान की शुरुआत की। जनता को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध हो सके, इसके लिए भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह और मुख्यमंत्री को सुझाव दिए थे। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता ने दाल उद्योग संघ के प्रतिनिधियों से भी बात की थी, जिसके बाद इंदौर से सस्ती दाल दुकानों की शुरुआत हुई। क्या करने वाली है? तो अभी तक जो हमारे यहाँ, क्योंकि देश के अंदर दालों का उत्पादन, दलहन का उत्पादन कम होता है, और इसलिए पिछले कई वर्षों से जो बाहर से दलहन आती थी उसके ऊपर मंडी शुल्क में छूट थी, अभी वो एक बार समाप्त हुई है। और मैं समझता हूँ सरकार उसके ऊपर भी विचार कर रही है, ताकि इस समय जो दालों की आवश्यकता है वो निर्यात आसानी से किया जा सके। वहीं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया ने भी इस दुकान को एक सकारात्मक पहल बताया, साथ ही सरकार द्वारा जल्द ही इस मुद्दे पर स्थायी हल निकालने की बात कही। देखिए, जैसे माननीय मोदी जी ने भी बताया कि इस देश में कमजोर मानसून की वजह से दालों के उत्पादन में बहुत कमी आई है। इसके साथ ही जहाँ से हम दाल आयात करते थे उन देशों के अंदर भी दाल का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना हमेशा होता आया था। ऐसे में यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने, खास करके दाल मिल जो एक इंदौर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उन्होंने ये निर्णय किया कि 150 रुपये किलो दाल हम गरीब लोगों को मुहैया कराएंगे, और आज से उन्होंने इसकी शुरुआत भी करी है। तो निश्चित रूप से मैं सारे व्यापारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से स्थान चुना, और निश्चित रूप से जो दाल मिल इंदौर के अंदर है, इंदौर की मुख्य इंडस्ट्री है दाल मिल, हजारों लोग इसमें काम भी करते हैं, उनके रोजगार की भी ध्यान रखना, और साथ ही उन गरीब वर्गों को जो बहुत महंगी दाल खरीद नहीं सकते उनको रियायती दरों पर दाल उपलब्ध कराना, ये व्यापारियों का काम है, और हम समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि गरीबों को सस्ती दाल मुहैया हो। और इस हेतु आज दाल मिल एसोसिएशन ऑफ इंदौर ने यह निर्णय किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इंदौर दाल उपभोक्ता संघ द्वारा शुरू की गई इस दुकान से दाल लेने वाले ग्राहकों को सस्ती दालें मिल सकेंगी। जिस हिसाब से देश में, हिंदुस्तान में किसान की फसलें खराब हुई है, उसके कारण दाल की कीमतें वाकई में काफ़ी बढ़ी है, और उसके कारण हमारी दाल उद्योग को भी, हमारी इंडस्ट्रीज का माल बिकना कम हुआ है। मगर हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ तंजानिया, बर्मा, विदेशों की भी फसल खराब हुई है, ये दो तीन चीज़ के कारण दाल की कीमतें बढ़ी है। हमारी दाल मिल की जो दाल उद्योग की समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हुई है, और हम भी जनता के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। तो हमने दाल मिल संगठन की ओर से सस्ती दाल 150 रुपये पर केजी बेचने का दुकान का आज शुभारंभ करवाया है। इसमें आम जनता शहर से कहीं से भी हो, बाहर का भी हो, 150 रुपये किलो में बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की दाल यहाँ से ले सकती है। और ये दाल मिल एसोसिएशन ने एक नए तरह का प्रयोग किया है ताकि गरीब को इसमें राहत मिले। फिलहाल प्रदेश भर में दाल को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। वहीं सस्ती दुकानों के अलावा लोगों की ये भी मांग है कि महंगाई के इस मुद्दे पर सरकार कोई स्थायी हल निकाले। अब देखना होगा कि कब तक लोगों को महंगी दाल से अपनी थाली सजानी होगी, और आम आदमी को कब तक संकट से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।